धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा तिथि परम कल्याणकारी होती है। इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर संशय बना हुआ है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा, 21 या 22 जून। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर्व किस दिन मनाना शुभ होगा, साथ ही बताएंगे इस पूर्णिमा पर हमें तुलसी जी की लकड़ी से किस तरह का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन से सभी तरह की समस्याओं का निवारण हो जाए। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष फलदायी बताया गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन किए गए पूजा पाठ दान का व्यक्ति को दिव्य फल मिलता है। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूर्वक भगवान सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। इनकी कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे उत्तम दिन है। इस दिन गंगा स्नान करना भी शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी पूजा का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। पूर्णिमा तिथि को तुलसी की पूजा करने से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत कब होगा और कब स्नान दान पूजा पाठ किया जाएगा। 21 जून को सुबह 6:01 से शुरू होगी पूर्णिमा। 22 जून को सुबह 5:07 पर समाप्त होगी। 21 जून को पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण व्रत होगा। 22 जून को स्नान दान के लिए शुभ होगा। इस बार 21 और 22 जून यानी दो दिन पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हमें भगवान लक्ष्मी नारायण का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लें, उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण भगवान के श्री विग्रह का गंगा जल से अभिषेक करें, उनको चंदन फूल तुलसी पत्र अर्पित करें, ऋतु फलों का भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा सुनें या पढ़ें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सिद्ध मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को हमें तुलसी की लकड़ी का पूजा में किस तरह प्रयोग करना चाहिए। 7 तुलसी की लकड़ी इकट्ठी करें, कलावे से लकड़ियां बांधें, घी में डुबोकर भगवान विष्णु की आरती करें, इससे आपको भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। घर में सुख शांति के लिए 7 तुलसी की लकड़ी लें। तुलसी की लकड़ियों को गंगा जल में डुबोकर रखें। 1 सप्ताह के बाद गंगा जल को घर में छिड़कें, घर से दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा। 7 तुलसी की लकड़ियों को कलावे से बांध लें। गंगा जल से तुलसी की इकट्ठा लकड़ियों को पवित्र कर लें। विधि पूर्वक तुलसी की लकड़ियों का पूजन करें। पूजा के बाद इन 7 लकड़ियों को घर व्यापार की तिजोरी में रखें। धन से जुड़ी सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो ये उपाय करें। सूखी तुलसी की जड़ को लाल रंग के कपड़े में रखें, इसे अपने गले या बाजू में धारण करें, इससे आपकी ग्रह दोष निवारण होगा। शास्त्रों के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो लोग भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनको श्री हरि की कृपा से तुलसी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है, नौकरी और व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं, कुंडली के ग्रह भी शांत होते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आप भी कर लीजिए तुलसी की लकड़ी के ये खास उपाय और पा लीजिए मनचाहा वरदान। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति।